आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओंकार अंडी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा की. बीजेपी विधायक फायरिंग मामले से शिंदे सरकार को झटका. सामरा में कार दुर्घटना में एक महिला की मौत. कैपिटल वन अंतरराज्य नाट्य प्रतियोगिता की शुरुआत. जिला पंचायत सीईओ राहुल शिंदे का हुआ सम्मान. आयुक्त पद के लिए किसे नामांकित किया जाएगा. बेलगाम धरवड़ रेलवे लाइन के लिए 50 करोड़. मय समिति की बैठक कल होगी. या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब. म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी. जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात, तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा. बीएससी दे टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा. तुमची आवडती सारी लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमती. बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाडी, बेलगावी. यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर. सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी. थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी. और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस. सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग. अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी. अब समाचार विस्तार से. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व केंद्र सरकार की ओर से उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है. साथ ही पुरस्कार इस घोषणा के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को भी बधाई दी गई है. कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया. इसके बाद अब आडवाणी को भी भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है. बीजेपी विधायक फायरिंग मामले से शिंदे सरकार को झटका. बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना के कल्याण शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ और एक अन्य व्यक्ति पर गोली चला दी, जिसे पूरे राज्य में हड़कंप मच गया. उड़ गया लोग इस बात से हैरान है कि कानून को जनप्रतिनिधियों ने अपने हाथ में ले लिया है और विपक्ष ने सरकार की आलोचना की है. लेकिन विधायक गणपत गायकवाड़ ने कहा कि उन्हें इस कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे पर कई गंभीर आरोप लगे हैं. सामरा में कार दुर्घटना में एक महिला की मौत. सामरा में शनिवार आधी रात को हुए हादसे में एक महिला की मौत हो गई है. कार में सवार 4 लोग भी घायल हो गए. इस बारे में जानकारी यह है कि तेज रफ्तार में एक कार बेलगाम से रायचूर की ओर जा रही थी. रात करीब 12:30 बजे जब कार सामरा पहुंची तो ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और बिजली के खंभे से जा टकराई. इसके बाद कुछ प्लेटें खाकर वो पास के खेत में लौट आया. इस हादसे में कार सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई. कार में सवार कुछ अन्य यात्री घायल हो गए. बताया गया कि कार में सवार लोग तमिलनाडु के रहने वाले हैं. कैपिटल वन अंतरराज्य नाट्य प्रतियोगिता की शुरुआत. कैपिटल वन द्वारा एकांकी नाटकों के रूप में एक प्रवाहमान परंपरा बनाने का कार्य चल रहा है. शनिवार को कैपिटल वन संस्था द्वारा बेलगाम की गौरवशाली थिएटर परंपरा को बढ़ावा देने के लिए 3 और रविवार लोकमान्य रंगमंदिर कोनवाल गली में 4 को अंतर विद्यालय एवं अंतरराज्य एकांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है.
प्रतियोगिता का शुभारंभ श्री नटराज पूजन एवं गणेश पूजन से किया गया। संस्थान के अध्यक्ष शिवाजी हंडे, इस कार्यक्रम में सुभाष सुंटनकर, प्रोफेसर अरुणा नाइक समेत गणमान्य लोग शामिल हुए। जिला पंचायत सीईओ राहुल शिंदे का हुआ सम्मान। दलित संघर्ष समिति अम्बेडकरवाद की ओर से बेलगाम जिला पंचायत के नए सीईओ राहुल शिंदे का दलित संघर्ष समिति अम्बेडकरवाद के सिद्धप्पा कामरे ने शॉल और पुष्पहार से सम्मान किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही राजू तलवार, जिला पंचायत उप कार्यपालक हेगनाई, शासकीय सेवक संघ अध्यक्ष बसवराज रायगोल, जिला पंचायत सीईओ परशुराम दुर्गुंटी को भी शॉल ओढ़ाकर और पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दलित संघर्ष समिति अम्बेडकर वार्ड के बेलगाम जिलाध्यक्ष मंतेश तलवार, महादेव तलवार, आनंद कोलकर और अन्य उपस्थित थे। आयुक्त पद के लिए किसे नामांकित किया जाएगा? केएस अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया में सरकार ने नगर आयुक्त का पद रिक्त रखा है, तो क्या कमिश्नर पद किसी पर नए अधिकारी की नियुक्ति होगी? क्या प्रशासन उपायुक्त उदय कुमार तलवार को प्रभारी आयुक्त नियुक्त किया जाएगा? इस बारे में उत्सुक हूँ, लेकिन तबादले के बावजूद अशोक दुर्गुंटी ने शुक्रवार को कार्यालय नहीं छोड़ा, इसलिए संभावना है कि आयुक्त की नियुक्ति के बाद दुर्गुंटी को प्रभार देकर पदमुक्त कर दिया जाएगा। नगर निगम में दो महत्वपूर्ण अधिकारियों के एक साथ तबादला कर दिया गया है। हालांकि चुनाव के लिए हुए इस तबादले से दोनों अधिकारियों को दोबारा नगर निगम में आने का मौका मिल गया है। बेलगाम धारवाड़ रेलवे लाइन के लिए 50 करोड़। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को पेश किए गए बजट में बेलगाम जिले में दो महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया है। बेलगाम से कित्तूर होते हुए धारवाड़ रेलवे लाइन के लिए 50 करोड़ और कुर्ची से बागलकोट रेलवे लाइन के लिए 410 करोड़ रुपए। जिले में मीरज बेलगाम लोंढा रेलवे लाइन के दोहरीकरण को बढ़ावा दिया गया है। मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कर्नाटक में विभिन्न रेलवे लाइनों के लिए फंड की घोषणा की है। कुर्ची बागलकोट मार्ग के लिए 410 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस रेलवे लाइन के लिए बागलकोट जिले में भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। महेश समिति की बैठक कल होगी। सीमा मुद्दे और समिति की कार्यकारिणी पर चर्चा के लिए रविवार को महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक शाम 4 बजे मराठा मंदिर में आयोजित किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। ऐसी अपील रमाकांत कोंडुस्कर, रंजित चव्हाण पाटिल आदि ने की है। इस बुलेटिन में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्मार्ट प्लस। बिगेस्ट फेस्टिव ऑफर्स। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक कि होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। नगर निगम की वर्तमान मेयर शोभा सोमनाचे और डिप्टी मेयर रेशमा पटेल का कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो जाएगा। मेयर और डिप्टी मेयर के तौर पर काम कर रहे हैं, सोमवार उनका आखिरी दिन होगा। नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कार्यकाल पूरा होने से पहले सोमवार को नहीं होगा, इसलिए मंगलवार से कार्यवाहक मेयर, डिप्टी मेयर या प्रशासक की नियुक्ति की गई है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 5 फरवरी या उससे पहले नए मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हुआ तो संभावना है कि नगर निगम में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। बार एसोसिएशन चुनाव में 38 आवेदन वैध। बेलगाम बार एसोसिएशन चुनाव के लिए आवेदनों की जांच शुक्रवार को की गई। 38 उम्मीदवारों को वैध घोषित किया गया। नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख 3 फरवरी है, उसके बाद अंतिम तस्वीर साफ होगी। बार एसोसिएशन चुनाव के अवसर पर 25 जनवरी से नामांकन स्वीकार किए जाने शुरू हो रहे हैं। 2 फरवरी आवेदन करने की आखिरी तारीख थी। इस बीच 38 उम्मीदवार आवेदन दाखिल किए गए। गुरुवार को अंत तक विभिन्न पदों के लिए 20 आवेदन जमा किए गए। दिल्ली में बुधवार को केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। केंद्रीय बजट में कर्नाटक के साथ अन्याय हो रहा है। केंद्र की ढिलाई के कारण राज्य को 5 साल में 62,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके लिए केंद्र का विरोध करने के लिए कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे, ऐसा उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा। चोर को गिरफ्तार कर 5 लाख के आभूषण जब्त। तिलकपाड़ी पुलिस ने गुरुवार रात चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से 5,12,000 रुपए के आभूषण जब्त किए। संदिग्ध आरोपी की पहचान राजू शमशान उपलपति के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि 7 से 24 जनवरी 2024 के बीच अज्ञात व्यक्तियों ने मंडोली रोड निवासी ज्योति जगदीश इलेगर के घर से 77 ग्राम सोना और 550 ग्राम चांदी सहित 5,12,500 रुपए का कीमती सामान चोरी कर लिया था।
इसके खिलाफ तिलकवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। तिलकवाड़ी पुलिस ने गुरुवार को राजू उपलपति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 5,12,500 रुपए के आभूषण और सामग्री जब्त की है। दसवीं की परीक्षा 25 मार्च से। छात्रों के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा कही जाने वाली दसवीं की परीक्षा सोमवार को होगी। इसकी शुरुआत 25 मार्च से होगी, तो शिक्षा विभाग ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार बेलगाम शैक्षिक जिले के 35,118 छात्र 96 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। क्योंकि शिक्षा विभाग ने दसवीं की वार्षिक परीक्षा के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है, इसलिए तैयारियां की जा रही है। मार्कंडेय नदी में प्रवाहित जल का उपयोग। इस वर्ष कर्नाटक इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड द्वारा प्रभावित पानी की कमी को दूर करने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। रिसाव वाले पानी को राकस्कोप जलाशय से पंप किया जा रहा है और एक चैनल के माध्यम से हिंडल का पंपिंग स्टेशन तक भेजा जा रहा है। जलाशय से रिसकर पानी मार्कंडेय नदी बेसिन में जा रहा था। इसका उपयोग पहले नहीं किया गया था, लेकिन एक गड्ढा बन गया है जहाँ जलाशय का पानी रिसता है। जमा पानी को पंप करने के लिए 7 और 3 हॉर्स पावर के 2 इलेक्ट्रिक पंप लगाए गए हैं। विद्युत पंप के माध्यम से पंप किया गया पानी सीधे जल चैनल में छोड़ा जाता है। कनबरगी में किसानों की सड़क रोकने की चेतावनी। 7 दिन के अंदर कनबरगी आवासीय योजना का काम शुरू कर भूखंड वितरित किया जाए या अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसानों ने चेतावनी दी है कि मंगलवार 13 फरवरी को सड़क रोको प्रदर्शन करेंगे। इस विरोध का निर्णय कनबरगी आवासीय योजना संख्या 61 की कल्याण समिति ने लिया है। इस आंदोलन की जानकारी प्रमंडलीय आयुक्त कलेक्टर बूढ़ा कमिश्नर को दी गई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।